हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यूनिक कैफ़े में। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे डॉग में होने वाली खुजली के कारण भी, किन किन कारणों से खुजली होती है और कुछ सामान्य उपचार जो अपने डॉक्टर से की सलाह से ले सकते हैं या खुद भी अपने कर सकते हैं। आमतौर पर डॉग्स में खुजली होती रहती है, फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि डॉग्स में खुजली क्यों होती है और खुजली होने का क्या कारण है। सबसे पहला कारण है कि अगर आपके डॉग्स को टिक्स, फ्लीज या माइट्स हैं तो आपके डॉग को खुजली हो सकती है और आपके डॉग को इचिंग होने से बार बार वह खुजली करता रहता है। टिक्स, जिसको हम आम भाषा में चिंचनी कह जाते हैं, और फ्लीज जिसको पिस्सू बोलते हैं, और माइट्स बहुत ही जो स्किन के जो नीचे रहते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो इनके वजह से डॉग्स में खुजली होने लग जाती है। इससे हमें निजात पाने के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। एक MSD का टैक्टिक 5% के नाम से एमिट्राज आता है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसका घोल 1 लीटर पानी में 2 ml डालकर डॉग को नहला दें और लगभग आधा घंटे सूखने के बाद आप आधे घंटे तक चाटने ना दें। अगर डॉग इसको लिक भी कर लेता है, चाट भी लेता है, तो भी इसमें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा अपने उसको एक सिरप आती है, सनकोट सिरप आती है, जो अपने डॉग को दे सकते हैं, जो मेंजाइटिस डर्मेटाइटिस हमें काम करती है, डॉग में खुजली होती है उसमें। दूसरा जो कारण रहता है, जो अपने आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं, ओनर उस चीज़ का ध्यान नहीं देता है कि डॉग के खान पान भी, डॉग को फूड एलर्जी भी हो सकती है, डॉग के खान पान पर अपने विशेष ध्यान नहीं देते हैं, इससे डॉग में खुजली हो सकती है। फूड में अचानक बदलाव कर रहे हैं तो आपके डॉग में खुजली की समस्या पैदा हो जाती है, इसलिए आप अपने डॉग के खान पान में अचानक बदलाव न करें। कई बार हम अपने डॉग को मीठी चीज़ें दे देते हैं, जैसे अपने कुछ खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, मीठा बिस्किट खा रहे हैं, या कुछ हम मिठाई वगैरह खा रहे हैं, तो अपने वैसे ही डॉग को थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, या कुछ ओनर कहते हैं जी मेरा डॉग मीठे के बिना कुछ खाता नहीं है, तो अपने दे देते हैं, तो इससे भी डॉग को खुजली होती है। इससे आप अपने डॉग को नया फूड जब भी चालू करें तो उसको बहुत ही कम मात्रा में चालू करें और ध्यान दें कि कहीं इस फूड से आपके डॉग को कुछ एलर्जी तो नहीं हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखें। और इससे क्या होता है कि जब भी डॉग खुजली करता है तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से अपनी स्किन को बाइट करता है, स्किन में इचिंग होने की वजह से, तो अपने को पता चल जाता है कि ये डॉग या टिक्स से संबंधित है या फूड एलर्जी हो सकती है। और तीसरा हम बात कर रहे हैं मेंज या मेंजाइटिस के बारे में। मेंज या जो मेंजाइटिस है, इसमें डॉग की जो स्किन है ऊपरी स्किन है, वो थोड़ी मोटी और सख्त हो जाती है, और डॉग के बाल है जो चक्तों में उतरना चालू हो जाते हैं, या कई बार तो डॉग के बाल जो बिल्कुल ही उतर जाते हैं, जिससे आपके डॉग को खुजली का सामना करना पड़ सकता है और उसकी सेहत पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इससे इसके लिए आप अपने डॉग के लिए एक क्यूराब्लेस नाम से एक क्रीम आती है, एक ऑइंटमेंट भी है ये, तो इसका आप अपने डॉग की स्किन पर उपयोग कर सकते हैं, तो जो कि डॉग या कैट में भी स्किन डिसऑर्डर में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्किन इन्फ्लामेशन, स्किन में कोई सूजन आ जाए, या इसमें स्किन में इन्फेक्शन है, स्किन में चकते पड़ गए हैं, एक्जिमा है, तो इसमें आप इसको कम करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और ये सब आप चिकित्सक की देखरेख में करें। और ये तो रही मेन बात कि आपके डॉग को खुजली किस वजह से होती है, और इसमें कुछ आपको मैंने कुछ कारण भी बताए और कुछ सॉल्यूशन भी बताए भी अपने फर्स्ट स्टेज पे अपने कुछ कर सकते हैं। आगे जो हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, इसमें हम आपको बताएंगे कि जो ये खुजली है या जैसे दाद है, जो चकते पड़ रहे हैं, इसमें अपने डॉग का घरेलू तौर पर अपने कैसे उपचार कर सकते हैं ताकि अपने डॉग को फर्स्ट स्टेज पे ही इसको अपने निजात दिला सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।